यार ये जो हमारी येलो वाली बजीज है ना, फीमेल पैरिट है यार, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। पता नहीं इसको क्या इशू बना है। इकट्ठी होके बैठी थी अभी नीचे थी, तो मैंने इसको ना हाथ में पकड़ के देखा तो इतनी इतनी काटी भी नहीं, कि मारा भी नहीं, चोंचे भी नहीं मारी। वरना जो बाकी हो जो बजीज होते हैं इतनी ज़ोर ज़ोर के चोंचे मारते हैं। मैं भी आपको पकड़ के दिखाता हूँ, ये चोंचे नहीं मारी इसने। इधर देखना, ये देखो, ये कहीं भाग भी नहीं रही, कहीं जा भी नहीं रही यार। पता नहीं क्यों, इधर देखो कितनी शरीफ है। और देखो इसको क्या हो गया, इतनी प्यारी थी, रेड आइज थी इसकी। मैं बड़े शौक से लेके आया था, मैंने कहा मेरे पास रेड आइज के बच्चे आ जाएंगे। ये देखो इतना जोर भी नहीं है, उसके अंदर ताकत भी नहीं है। इसके पांव देख रहे हो कैसे इकट्ठे हुए हैं। देख रहे, मैं यहाँ से छोड़ूंगा ना, बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ से उतर के नीचे जाएगी। ये देखो, बस यहाँ तक नीचे गई, अब आहिस्ता आहिस्ता चल के ऊपर जाएगी। महंगी भी है, काफी कॉस्टली है। बाकी इसे दुआ करो यार, ये जल्दी से ठीक हो जाए। गुइना फॉल्स के सर देखो गंजे हैं, इनके सर के ऊपर बाल है ही कोई नहीं, ना पंख है कोई। हाँ भाई शहजादे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यही दो, ये दो कबूतर मेरे हैं टेम है, ये दोनों। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ अरे शहजादे, आ जाओ ऊपर आ जाओ। आ आ आ आ आ आए 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 आए, दिल खुश हो गया भाई। और डायना तो भाई कल से बिल्कुल ब्लैक कोई हुई है, माशाल्लाह से बड़ी प्यारी बनी हुई है, क्योंकि कल इसने नाइया नाइया किया ना, और नीट एंड क्लीन भी हो गई है। और डोनो भाई साहब तुम कैसे हो, ठीक हो यार? डोनो कोई शुगर मेला नहीं लगा रहा यार डाइना के साथ, कोई इसको घुमा शुमा को ट्रिप पे ले जा है। के काम देख लो बस, कोई ना फॉल्स ये यार देखो सिल्वर भी आ गया मेरे हाथ के ऊपर। सिल्वर आए यार, सिल्वर की कहां याद आ रही, इतनी ग्रे आ गया मेरे हाथ के ऊपर। सिल्वर तो यार वो तो मर गया इसका दोस्त बेचारी का, पर इसको देखो। और अभी वो गुइना फॉल्स थी मेरे हाथ के ऊपर, अभी ये जो नीचे वाली, अभी ये आना चाह रही है, देखना ये आएगी। ये सही है यार, सही खुश दिल खुश करते हैं। हाँ भाई माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे 1.5 के सब्सक्राइबर हो गए, थैंक यू सो मच। हम जाके देख लेते हैं हमारी जो फिंच ने कल अंडा दिया था, तो आज क्या उसने दूसरा अंडा दिया है कि नहीं दिया। आए एक तो हम ये देख लेते हैं, और दूसरा अभी देखते हैं। अभी एक ही अंडा है, देखना एक ही अंडा पड़ा है ना, एक ही पड़ा है, तो दे देगी, दूसरा अंडा भी देगी, फिर तीसरा चौथा भी देगी, फिर बच्चे भी देगी, सारे काम करेगी ना। आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली हो रही है ना यार, देख रहे हो दोनों केजेस की ना, उस केज की भी इस केज की भी सफाई होने वाली है। यू कंख में लेके आऊंगा, वो इसके अंदर रखूंगा, ये वाले कंख उठा के सफाई सफुई करके, इस केज की भी सफाई सफुई करके ना, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 3, 2, 1 गो। चेक करो यार, ये वाला केज भी बिल्कुल क्लीन कर दिया है, और बाहर की भी देखो यार, सारी टोटल सफाई कर दी है, बिल्कुल चिकना चका हो गया, और मैं खुद भी चिकना चक हो गया हूँ भाई। मैंने सफाई सफुई किया ना, बहुत गंदा गुंदा हो गया था यार, मट्टी लट्टी लग गई थी, तो मैं भी नहा कर आ गया हूँ, और जुम्मा भी पढ़ के आ गया हूँ। आप सब लोगों को भी जुम्मा मुबारक हो। पर यार मैं ना बीशो का घर बनाने लगा हूँ, अब सर्दियाँ आ गई है ना, तो इधर जाली से उसको हवा वगैरह लगती है, तो मैंने सोचा है कि अब इस केज के अंदर नहीं, अब इस बॉक्स के अंदर उसका घर बनाया जाए, ताकि वो इधर आके इसके अंदर बैठ जाए। मैं तो एक तो कॉटन का रोल लेके आया हूँ, जो कपास होती है उसका रोल लेके आया हूँ, और कुछ कपड़े मेरे पास पुराने, वो इधर नीचे बिछा के उसके ऊपर कॉटन बिछा के फिर ऊपर से ऐसे बंद कर देंगे, और एक साइड से कहीं से ऐसे इतना सा डब्बा सा खुला रख देंगे, सुराख रख देंगे, जहाँ से वो अंदर जाकर बैठ जाएगी और उसको गर्मी सर्दी से बच जाएगी। यार अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो इधर उसको अंदर ठंड लगती है, इस वजह से मैंने फिर ये डिसाइड किया कि ऐसे करके, और ऐसे करके ना इधर से कोई रख देंगे बॉक्स जहाँ से अंदर चली जाएगी, या इधर से कोई सुराख कर देंगे जहाँ से वो इधर अंदर जाकर चली जाएगी, नहीं तो ऐसे ओपन भी ऐसे ही रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं जल्दी से क्या करता हूँ, इसके अंदर ये कपड़े ऐसे नीचे भी छा देता हूँ, फिर उसको ऊपर कॉटन भी छा देता हूँ। यार देखो अभी बीशो का घर बन रहा है, और बीशो पहले एंट्री मारने के लिए आ गया। ये देखो अब कितना सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो गया, ऐसे ऊपर से ये बंद हो जाएगा ना, तो भाई इधर ऐसे ये देखना, ये इधर ऐसे बंद हो जाएगा ना, तो बीशो इधर सुकून से, इसको थोड़ी सी भी सर्दी नहीं लगेगी। बीशो ऐसे अंदर चले जाओ, और मैं ऊपर से ऐसे बंद कर दूंगा, और इधर ये बैठ जाया करेगी, और इसकी सर्दियां बड़ी आराम से गुजर जाएंगी। देखो 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 वही सॉफ्ट वाली जगह पे जाके बैठ गई है। ओए ओए अब इधर तुम खुश रहोगी बीशो, है तुम्हें सर्दी नहीं लगा करेगी अब। जी गुड़िया रानी कैसी हो यार? ओए 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 यार, यार वो बज्जी जो सुबह जिसकी तबीयत खराब थी, ओए वही वाली, मेरे ख्याल में इसकी डेथ हो गई, डेथ हो गई, डेथ हो गई, एक्सपायर हो गई।
ओहो यार, ओहो यार, इसकी आंखें देखो कितनी अंदर चली गई, और यही प्यारी आंखें थी इसकी यार। मैं पता क्या चाह रहा था, मैंने कहा था हमारे पास ना रेड अल्बाइनो आ जाएंगे, रेड बिजीज आ जाएंगे जिनकी आंखें रेड होंगी, और ये वो काफी महंगे भी होते हैं जो रेड आइस वाले होते हैं। तो यार ये देखो, मैं ये काफी महंगी तोती लेके आया था। हाय 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 हाय, इसके पाँव देखो एक जगह पे अकड़ गए और बस गर्दन हिल रही है। ओहो, छोटी सी चूजी सी थी ये, मुझे काट भी नहीं रही थी जब मैंने सुबह टाइम इसको पकड़ा था ना, तो काट भी नहीं रही थी। बाकी काटते हैं यार। यार इनके मैंने ने केज के ऊपर अब रात को कपड़ा भी डाल देता हूँ बिल्कुल ही। ये बहुत मोटा है, रजाई जैसा है, ताकि इनको कोई सर्दी वगैरह भी ना लगे। लेकिन फिर भी पता नहीं इस बेचारी को क्या हुआ, बाकी तो माशाल्लाह से एक्टिव है यार। यार मैं इसको ना इस केज के अंदर रख रहा हूँ, फिर मैं थोड़ी देर तक दफनाता हूँ यार इसे। ओह बेचारी यार। तो यार मैं सारी सफाई सफुई करके गया हूँ, मैंने कहा यार हमारा फर्ज हो, आज कितना प्यारा लग रहा है, क्लीन क्लीन हो गया है सारा। लेकिन यार वो सैड न्यूज मिल गई यार, रानी भी आजकल मिल के रहना शुरू कर दिया इन्होंने है। जब ये मिल के रहते हैं ना तो बहुत प्यारे लगते हैं। आपको ना डूडू के पर दिखा दूं, माशाल्लाह से इतने इतने यार निकल भी आए हैं, बड़ी जल्दी ग्रोथ कर रहा है, बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहा है। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे। ऐसे ये चेक करना भाई, ओए 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 ओए, वो देखो वो देखो वो देखो, उसके सर के ऊपर अब बाल आ गए। ये चेक करो, ओए ओए आ गए है ना, सब छोटे छोटे से आए हुए हैं। तो भाई जितनी जल्दी ये ग्रोथ कर रहा है ना, मुझे लगता है एक वीक के अंदर अंदर इसने अपना गंजपन छुपा लेना है। देखो अमरूद मैंने सुबह टाइम डाला था और माशाल्लाह से सारा अमरूद खा गया है। यार जितने भी तमाम बर्ड्स हैं, पेट्स हैं, बिशो है, वो शिप्पू है, और क्या है डायनाडोनो, जितने भी हैं ना पेट्स या बर्ड्स, इनको खुराक दो ना तो फील होता है यार इनका पेट भर गया। लेकिन यार जोरो ना जितना भी खाना दो ना जरूर को, लेकिन इसकी सेहत ऐसी रहती है कि यार ब्रीड ऐसी है, ये ना ब्रीड इस तरह की है कि इसने ना सिंगल पसली रहना। यार फर्स्ट होम बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रहा है देखना। अंदर की भी सफाई हो गया भाई बिल्कुल, हर जगह पे मैंने सही से झाड़ू मारा है यार, आज ऐसे झाड़ू मारा ना, ऐसे ऐसे पोछा लगा लगा के, फिर मैं खुद भी जाके नहाया तो मैं भी साफ हो गया, मैं भी बहुत गंदा हो गया था, मट्टी मट्टी हो गया था, सच्ची बात है इतनी मट्टी थी। और एक काम रह गया यार एंड के ऊपर, कोकटेल का केज अंदर से यार साफ करवाना, या कोई भी छोटा बच्चा आएगा ना उसको अंदर बेच के ना, यार मैं तो इसके अंदर जा नहीं सकता, तो उसको अंदर बेच के ना ये कंख वगैरह उठवाएंगे। शिप्पू तू बड़ी लिट्टे छिट्टे अपनी बाल के निकाल के खड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे जुल्फ चेक करो भाई, शिप्पू की जुल्फ चेक करो, ऐसे आंख ऊपर से फेंकी हुई जैसे लड़कियां नहीं फेंकती। ए आए आए जुल्फे आए, ये सीरियसली इसके बाल है यार, ये चेक करो, ओए 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 बड़े बड़े, और इस जगह से सारे बड़े बड़े हैं, ये चेक करो। ओए ओए शिप्पू हमारा भाई पूरा छत्तों लाया, इसने पूरे बाल शाल रखे हुए हैं, पोनी शोनी लगानी पड़ेगी इसको। यहाँ पर मैं इस व्लॉग का एंड कर रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब करके एएस फर्स्ट होम को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।